मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता हरियाणा आने को तैयार नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों में ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का हाल भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा होने वाला है। अब तो कांग्रेस के नेता भी ये मानने लगे हैं। हरियाणा के युवा उनसे पूछेंगे कि हुड्डा के राज में हुई खर्ची पर्ची पर वो चुप क्यों हैं। हरियाणा के दलित पूछेंगे कि आरक्षण का विरोध करने के बाद वे किस मुंह से हरियाणा में आए हैं। राहुल गांधी को इन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। कुछ दिनों में ऐसा स्पष्ट वातावरण बना है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हाल होने जा रहा है। ये बात अब कांग्रेस के नेता भी मानने लगे हैं। यही कारण है कि पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी हरियाणा आने को तैयार नहीं हुआ है। अब हताशा की स्थिति में कांग्रेस कभी दो दो बार घोषणा पत्र जारी करती है तो कभी उनके नेता ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस आज कंफ्यूजन की स्थिति में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अब अचानक खबर आई है कि विदेशी धरती पर आरक्षण विरोधी बयान देने वाले राहुल गांधी 2-3 दिन के राजनीतिक पर्यटन पर हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा अच्छी जगह है। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने हरियाणा का चहु और विकास किया है, इसलिए वो यहाँ आए, घूमें और अपना पर्यटन करें। लेकिन कुछ सवालों के जवाब हरियाणा उनसे जरूर पूछेगा। राहुल गांधी जी उसका जवाब देकर जाएं। हरियाणा का युवा पूछेगा कि हुड्डा के राज में खर्ची पर्ची पर वो चुप्पी क्यों रखे हैं। हरियाणा का दलित पूछेगा कि आरक्षण का विरोध करने के बाद वह किस मुंह से हरियाणा आए हैं। हरियाणा का किसान पूछेगा कि किसान की जमीन लूटकर दामाद जी को देने के बाद भी वह किस मुंह से किसानों की बात करते हैं। हरियाणा की माताएं बहनें पूछेंगी हिमाचल महिलाओं से किए वादों पर धोखा देने के बाद वह हिमाचल क्यों नहीं जाते। ये कुछ क्वेश्चन हमारे हैं जो हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं। मुझे ये अवश्य राहुल गांधी इनका जवाब देकर के जाएंगे।